हेलो एंड नमस्कार मेरा नाम है दिपाली कॉल इमरामा टैरो में आपका स्वागत है ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर टू फिफ्थ ऑफ नवंबर आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इसकापियों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट टेन डेज़ ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्थ नवम्बर क्या मैसेजेस हैं इसकापियों के लिए नेक्स्ट टेन डेज के लिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ace of coins taurus virgo capricorn king of swords gemini libra aquarius the wheel of fortune aries leo sagittarius wow okay अब स्कॉर्पियो देखिए हमारे पास है ace of coins taurus virgo capricorn कोई इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो सकता है स्पेशली पैसे वाले मैटर्स रिलेटेड अब यहाँ पे यूनिवर्स ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया बिजनेस हो सकता है आप लोग स्टार्ट करें नेक्स्ट 10 डेज में कोई पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ प्रॉफिट हो सकता है किसी चीज़ में सक्सेस मिल सकता है हो सकता है आप लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या नया वेंचर हो या कोई नई डील हो कोई नया क्लाइंट हो उस चीज़ में सक्सेस मिल सकता है आपको किसी तरीके की नई इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं कि आपने कोई नया बॉन्ड में इन्वेस्ट करा है या नया कोई एस में इन्वेस्ट करा है या नया किसी स्टॉक uh, में इन्वेस्ट करा है नया कॉइन बिटकॉइन वट एवर एक्स वाइजी यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूं कि आप नई जगहों पे करें बट मैं बता रही हूं कि क्या मुझे दिख रहा है क्या आपने करा होगा ठीक है तो नेक्स्ट टेन डेज में हो सकता है आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा हो उसका आपको प्रॉफिट uh, मिले अच्छा रिटर्न मिले पैसा मिले नई चीजों की शुरुआत हो सकती है पैसे से रिलेटेड नई चीजों की शुरुआत हो सकती है नेक्स्ट टेन डेज में यहाँ पे हमारे पास है किंग ऑफ ओके जेमिना एक्वेरियस काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं अब किंग ऑफ से हमको ये पता लगता है कि आ, थोड़ा सा ना आपको अथॉरिटी मिल रही है शायद नेक्स्ट डेज में कोई चीज करने की काफी अथॉरिटेटिवनेस मुझे दिख रही है काफी लॉजिक दिख रहा है मुझे काफी इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग इंटेलेक्चुअल बातें हो सकता है आपका प्रमोशन हो रहा हो और उस वजह से आपके हाथ में वो अथॉरिटी पावर कंट्रोल आ रहा हो एंड उस वजह से थोड़ा आपके जो डिस्कशंस हैं वो और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो रहे हों बट मुझे एज अ पर्सन आप नेक्स्ट टेन डेज़ में काफ़ी समझदार काफ़ी लॉजिकल काफ़ी लॉयल काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव पावर वाले दिख रहे हैं नेक्स्ट टेन डेज़ में काम की वजह से हो सकता है किसी सर्कल ऑफ़ फ्रेंड्स जिसमें आप उठते बैठते हैं शायद वहाँ पे ऐसे लोग हैं तो इस वजह से आप उनके साथ वैसे हैं बट लॉयल्टी काफ़ी है यहाँ पे ठीक है तो हो सकता है आप जिस कंपनी के साथ काम करते हैं आप उनकी तरफ बहुत लॉयल हैं और उन्होंने आपको कोई चीज़ एक रिटर्न में दी है फॉर योर लॉयल्टी विच कुड बी दिस एस ऑफ कॉइन्स उन्होंने शायद आपको कोई इसॉब आप दे दिए या फिर कुछ भी कुछ भी हो सकता है वो बट uh, देखिएगा जरूरी नहीं कि यही चीज हो बट कोई और चीज भी हो सकती है किंग ऑफ सोज लॉयल्टी अथॉरिटी समझ सूझ बूझ से काम ले रहे हैं आप नेक्स्ट डेज में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए इस कॉपीओ हमारे पास यहाँ पे भी नई चीजों की शुरुआत है न्यू बिगनिंग्स है हमारे पास पैसा है फॉर्च्यून है अच्छी चीजें हैं लाइक अच्छी तरीके से शुरुआत हो रही है चीजों की हमारे पास किंग ऑफ सोल्स है वहां पे भी हमारे पास पावर कंट्रोल सिक्योरिटी अथॉरिटी समझ सूझ विजडम एवरी गॉट अब हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके पास नेक्स्ट टेन डेज में काफ़ी ज्यादा लक आने वाला है ऑपरचुनिटीज आने वाली है फॉर्च्यून आने वाला है काफी चीजें आपको फेवर कर सकती हैं आउट ऑफ द ब्लू सोल्यूशंस निकल आएंगे चीज़ें स्मूदली हो जाएंगी तो वैसी कोई चीज दिख रही है मुझे मतलब एक एक डेस्टिनी होती है ना किस्मत वो किस्मत चमक जाएगी आपके नेक्स्ट टेन डेज में कर्मा अच्छा रखिएगा कोई भी चीज किसी की हेल्प करनी हो या कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ वापस बुरा करना है नहीं कर्मा अच्छा रखिएगा सबके संग अच्छे से बिहेव करिएगा जो आपके संग गंदा बिहेव कर रहा है उनके साथ भी अच्छा बिहेव करिएगा ठीक है थोड़े टाइम के लिए अपना कर्मा अच्छा रखें अच्छा अच्छा करेंगे अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा ये किसी मूवी का डायलॉग है वैसे तो बट देन ऑल्सो तो वो थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखिएगा देखते हैं टीली फॉर्चून डेक्स से हमारे पास क्या है यूनिवर्स स्कॉर्पियो ट्वेंटी सिक्स ऑक्टूबर टू फिफ्थ नवम्बर ट्वेंटी सिक्स ऑक्टूबर स्कॉर्पियो टू फिफ्थ नवम्बर ओके की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम देखिए कोई भी दिक्कतें थी अगर तो वो अब खत्म हो रही हैं उसका सोल्यूशन मिल जाएगा उसका एक एक स्मूद uh, चीज होती है ना कि प्रॉब्लम थी बट खत्म हो गई समझ ही नहीं आया कब खत्म हुई यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ठीक है डेस्टिनी दिक्कतों का सोल्यूशन निकलता आएगा स्मूद हो जाएंगी चीजें लक काम करेगा अपॉर्चुनिटीज आएंगी सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम तो दरवाजा अगर बंद था अभी तक तो अब फाइनली उसकी चाबी आपको मिल जाएगी ऑपरचुनिटी चाबी से दरवाजा खुल जाएगा सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम गोल्ड फिश ओ माई गॉड इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ पैसा आने वाला है स्कॉर्पियो पैसा आने वाला है यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास गोल्डफिश है हमारे पास की है दिस इज सच अ गुड रीडिंग पैसा आने वाला है ये पैसा आपका मटेरियल uh, वेल्थ कोई भी महंगे परफ्यूम आपकी ज्वेलरी फुटवेयर uh, किसी भी फॉर्म में हो सकता है मटेरियल वेल्थ ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो या स्पिरिचुअली आप इवॉल्व हो रहे हो वैसी भी चीज हो सकती है स्कॉर्पियो ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी नीडल एंड थ्रेड अर विश विल बी ग्रांटेड स्कॉर्पियो एक बहुत ही प्यारी रीडिंग है आपकी uh, आप मुझे बताइएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टेन डेज के बाद क्या चीज़ रेजोनेट करी क्या नहीं करी बट uh, कोई भी विश अगर आप मान मांग रहे हैं uh, यूनिवर्स से या भगवान से या अल्लाह से जैसे भी अंसेयर विश ठीक है कोई चीज़ आपने अगर बहुत शिद्दत से बहुत इच्छा से सच्चे दिल से मांगी है तो वो आपकी ग्रांट हो जाएगी uh, बेफजूल की चीज़ों पर यह विश वेस्ट मत करिएगा uh, थोड़ा सा ध्यान से ये विश मांगिएगा सोचिए कि जिस इंसान को आप मांग रहे हैं क्या वो एक्चुअली में डिजर्व करता है ये विश वेस्ट करना या अगर आप फलाना प्रमोशन या पैसा मांग रहे हैं तो क्या आप एक्चुअली में यही चीज़ मांगना चाहते हो तो बेफिजूल की चीज़ें मांग के ये विश वेस्ट मत करिएगा प्लीज़ ठीक है देखते हैं मंथ्स में से कौन सा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स प्लीज बताइए कौन सा मंथ सिग्निफिकेंट है स्कॉर्पियो मे अब देखिए इस मे मंथ काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है या तो मे मंथ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई होगी या फिर नेक्स्ट मे मंथ में काफी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट ईयर का जो मे मंथ होगा वो भी कुछ कुछ इस साल के मे मंथ से सिमिलर ही होगा वैसा ही जाएगा कुछ तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए कि इस साल मे मंथ में क्या हुआ था मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन दो पैसे आपके आए मे मंथ में या आपके पास पैसे काफ़ी थे बट पैसे जाने का रास्ता भी बना हुआ था मे मंथ में uh, आए और गए यू नो लाइक आए बट खर्चा पहले ही रेडी था तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है देखते हैं एस्ट्रल हाउस से हमारे पास क्या है यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं एस्ट्रल हाउस से सक्सेस स्कॉर्पियो देखिए आपको सक्सेस मिलेगा आपको विक्ट्री मिलेगी आपको जीत मिलेगी चीजें अच्छी होंगी ठीक है चीजें अच्छी होंगी तो आपको थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव कहीं पे भी लगता है कि नहीं ये चीज क्यों नहीं हो रही है या अरे मेरी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं खत्म हो रही है तो आपकी बेसिकली प्रॉब्लम कहीं पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रही है नेक्स्ट टेन डेज में बहुत स्मूथ जा रही है आपकी रीडिंग ठीक है देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है यूनिवर्स की तरफ से देखिए डब्ल्यू uh, है काफ़ी सिग्निफिकेंट किसी का नाम सिटी कंट्री लोकेशन, और नेम हो सकता है चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने वाली हैं स्कॉपियो बहुत जल्दी स्टेज uh, वन से स्टेज टू से स्टेज थ्री होएगी चीज़ें टाइम शायद आपको नाम मिले एब्जॉर्ब uh, करने का आपको थोड़ा सा ना अपने शेल से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं अपने शेल में हैं तो आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको जो चीज़ें चाहिए लाइफ में वो एक खून में बैठ के आपको नहीं मिलेंगी आपको थोड़ा सा हाथ पैर बाहर निकाल के कुछ तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा ठीक है आ, हो सकता है आप काफ़ी लंबे हों या आपके पार्टनर काफ़ी लंबे हों या फिर आप थोड़े आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं शायद बिकॉज ऑफ़ योर लुक्स जिस तरीके से आप दिखते हैं या सोचते हैं या पहनते हैं कपड़े शायद वो सोसाइटी के हिसाब से बड़ा वियर्ड है या अजीब है तो इसलिए आपको थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील होता है वैसी कोई चीज है आ, या सोसाइटी के हिसाब से आप थोड़ा आ, बहुत ही ज्यादा या तो डार्क हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं मतलब जो नॉर्मल इंसान होता है ना उससे थोड़ा हटके हैं आपके फिजिकल फीचर्स लॉयल्टी यहाँ पे दिख रही है लॉयल्टी हमारे पास पहले भी थी किंग ऑफ सोर्स में तो लॉयल्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है या तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको लॉयल रहना है टूवर्ड्स समवन एल्स अगर आप लॉयल नहीं हो रहे हैं तो लॉयल्टी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पे बट uh, uh, आपको स्पेस के भी इशू हो सकता है या तो घर बहुत छोटा है जगह नहीं मिल रही है तरीके से उठने बैठने की बातें करने की या फिर ऑफिस स्पेस बहुत छोटी है कोई छोटा स्पेस है स्टार्टअप है और आप लोगों को शायद प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो जगह या फिर आपके बॉस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जगह बट बहुत क्लास्टोफोबिक हो रहा है सब लोग इकट्ठे बहुत एक छोटी ही जगह पे होते हैं घर या ऑफिस जैसे भी हो सकता है स्पेस नहीं मिल रही है या फिर स्पेस ये भी बोल सकते हैं कि आपको आपका पार्टनर स्पेस नहीं दे रहा है या आपको थोड़ा अलग रहना पसंद है अकेले रहना पसंद है वैसी वाली स्पेस वाली चीज़ भी हो सकती है बट मोरलेस uh, मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से स्कॉपियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का थैंक यू बाय